हम तो किसान के बेटे हैं। खेती किसानी की तजुर्बा हमको बचपन से है, पर पिछले जो लॉकडाउन हुई थी हमको किसानी की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा बढ़ी। खेती किसानी में बहुत कुछ फ़ायदा होता है। एक जैसे या खेती किसानी करने से हमारा शारीरिक एक्सरसाइज हो जाता है, जिम जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। दूसरा में अपनी खेती को हम ना ऑर्गेनिक बनाते हैं, जो खेती ख़राब हो जाती है उसको हम ऑर्गेनिक बना देते हैं। तीसरी बात, हमारा जो रिसोर्सेस है, जो संबल है, उसको हम विनियोग कर पाते हैं। तो इसमें एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, हम लोग को सबसे हमारा परिवार का जो तजुर्बा, हमारी जो तजुर्बा और नया जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग सुविनियोग कर पाते हैं। हम 2 साल से ये सब करना स्टार्ट किया, तब से लॉकडाउन में जैसे हम लोग बोर नहीं हुआ, हम जब भी टाइम मिला कुछ ना कुछ करते रहे। और अभी ये हमारा क्या बोलता है, पैशन हो गया, जब भी फ्री मिलता है कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। ये जो प्लॉट आप लोग देख सकते हैं, ये प्लॉट टोटल बीटरगढ़ लगा गया है, करेला की खेती है सारा। और पिछली बार हमने ना ज़मीन के ऊपर उसको बनवाए थे, पानी की वजह से ये जो है मर गया था, इसलिए हल्का हाइट किया गया इसी बार, ताकि अगर पानी हो जाएगा अचानक ताकि रूट बच सकेगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे इसी बार, अभी नेक्स्ट टाइम ये प्रकार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखेंगे क्या हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल बहुत नुकसान हुआ था इसमें बीटरगढ़ में, क्योंकि काफ़ी सारा झाड़े जो है मर गए थे। और सीजन में हम लोग फिर दोबारा लगाना पड़ा। और आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट जो है राउंड लंबा जगह है, पूरा बीटरगढ़ इसमें लगा गया है। और क्या कहते हैं, बीटरगढ़ अच्छा है और इसमें कीटनाशक बहुत कम लगती है, बाकी चीज़ें बहुत कम लगती है। पर इस बार देखेंगे क्या होगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुत नुकसान हुआ था बीटरगढ़ में, हमने जो उम्मीद किया था हार्वेस्टिंग का वो नहीं आ पाया था, इसलिए हमने हल्का हाइट बनवाया इसमें और वाइट बनाकर इसको हम लोग थोड़ा बनाया, लेकिन गैप जो है हल्का कम रखी है और एक एक बीज डाली है इसमें। क्योंकि पिछली बार हम लोग एक जो मंदा होता है ना, मंदा सिस्टम बनाए थे, उसमें 3-3 बीज डाली थी, पर इसमें एक एक बीज डाला गया है। देखेंगे कैसे क्या होगा, अगर हो सकता है ये हमारा एक्सपेरिमेंट हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकता है। कुछ साथियों मुझे पूछा था कि मल्चिंग क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मल्चिंग में इतना प्रैक्टिस नहीं है और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, बारिश में क्या पानी जब आ जाएगा मल्चिंग कितना सपोर्ट होगा वो हमको एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, उम्मीद है हम लोग इसी बार मल्चिंग पेपर जो है ना इस समय लगाएंगे, क्या कहते हैं उसको, आपका विंटर की जो फसलें हैं उसमें हम लोग मल्चिंग लगाने के लिए कोशिश करेंगे। पर इसमें जो है हम लोग स्प्रिंकलर में पानी देंगे, स्प्रिंकलर में क्या होगा थोड़ा अच्छा हो जाएगा और ठीक ठाक पानी जो है आ जाएगा, देखेंगे क्या होगा। ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं हमारा एक पपैया की झाड़ है जो कि 5 साल से फल दे रही है, बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग है इसमें और बहुत स्वीट है। हम लोग ये जो है ना हमारा ट्रेडिशनल जो बीज वो यूज़ किया था, आप देख सकते हैं, यह आपको लगेगा कि क्या कहते हैं जैसे नारियल की झाड़ है, पर नारियल नहीं है, ये पपया है और करीब 25 फीट की ये झाड़ है। और हर साल जो है ना आप देख सकते हैं कितना मोटा है। और अगर ऊपर तक आपको मैं दिखाऊं, ये जो है इसका टप नहीं है, ये 2 ब्रांच आया है इसमें। अगर ऊपर तक मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देखें, ये देखिए वहाँ पर है, मतलब एक नारियल की झाड़ तरह है, पर इसमें जो हार्वेस्ट आता है ना बहुत ज़्यादा है। इसी बार उम्मीद तो रखते हैं कि इतना साल से तूफान से बचा है, क्योंकि हमारे यहाँ तूफान बहुत ज़्यादा आते रहता है, पर पता नहीं ये साल क्या होगा, बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं उपलब्धि हमारी, क्योंकि हमने 5 साल से इसको जो है ना इसका हार्वेस्ट ले रहे हैं। ये देखें,
ऊपर से नीचे तक 25 फीट का ये पपया की झाड़ है। ये कौन सी ब्रीड है क्या है वो तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, ये मतलब ये कौन सी टाइप का पपया है, लेकिन लोकल है। हम लोग जो पपया हम लोग पहले से पुस्कानी पपया जो हम लोग यूज़ करते थे उसका बीज लेके हमने इसको लगवाया था, और इसका बीज हमने कलेक्ट किया है। पर इतना बड़ा झाड़ कहीं कभी नहीं हो रहा है कि 25 फुट का पपया झाड़ हो पाएगा। आप देखें इतना हाइट है, ये ब्रांच है इसका नीचे, ये उसका रूट है। आप देखें यह एक टाइप का अजूबा हमारे लिए, क्योंकि 20-25 फीट का ऐसा झाड़ नहीं रहता है, हो सकता है पर तूफान से हमारे यहाँ बचना मुश्किल है, पर ये बची हुई है। ये आप देख सकते हैं कि अरबी की फसल लग चुकी है, और इसके ऊपर जो है ना ड्राई लीव्स दिया गया है। इसका मेन चीज़ ये है कि जब पहले उसको मतलब छाया दे सकेगा और बाद में प्लांट को जो है ना ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेगा। ये अरबी का जो टेक्निक हमारे यहाँ किया जाता है उसका मेन कारण ये है कि हम लोग ऊपर कवर कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरा प्लॉट में हम लोग ड्राई लीव्स को कवर कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो लीव्स हम लोग यहाँ पे रखा है, ये सारा लीव्स गर्मियों में जब गिर गया था उसको हम लोग ना ऐसा स्टोर करके रखे थे। अभी वो सारा पत्ते जो है ड्राई लीव्स हैं वो अरबी का खेती में बड़ा उपयोगी होती है, और इस प्रकार हम इसको स्टोर करते हैं और उसको अरबी में डाल देते हैं। तो ऑटोमेटिक ये जो खाद जो है ना वो नेचुरल की नेचुरल मतलब नैसर्गिक उपाय से ये आपका खाद्य में रूपांतरित होता है। जैसे कहा जाता है ना शक्ति कभी ये नहीं होते, कंटिन्यूट रहता है, इस प्रकार चीज़ें। ये आप देख सकते हैं मेरा जो काव डंक है, काव डंक यहाँ पे डाला गया है, तो पूरा साल भर का जो काव डंक इसमें स्टोर होता है बाद में ज़मीन में हम लोग लगा देते हैं। ये बहुत फर्टाइल होता है और आपका फर्टिलाइज़र से आपको भी बहुत ये कर सकता है। आपसे ये दिखा दूँ कि ये हमारा जो झाड़ है ना कैमरा में ठीक से नहीं आ रहा होगा, ये एक्चुअली पपाया है। ये 5 साल की हो चुकी है और इसमें जो है ना पपाया बहुत मात्रा में हर साल आया करता है। दो साइड में दो ब्रांच है, दो ब्रांच में फल आता है और ऊपर से भी इसमें फल आ रहा है। ये इसका 5th ईयर है जो हर फल दे रहा है। तूफान से थोड़ा डर लगता है, अदरवाइज अभी तक ये फल दे रही है हर साल जैसे। इसकी जो बीज है हम कलेक्ट किया है और इसमें नया झाड़ भी डाल चुके हैं, लेकिन ये एक अजूबा है क्योंकि इतना हाइट तक कैसे रहता है और हर साल इतना हार्वेस्ट कैसे देता है वो भी हमें कंफ्यूज है। आप देख सकते हैं कितना हाइट है, नारियल की झाड़ जैसे। ऊपर से आप देखेंगे तो नीचे तक ये देखें ये है, ये उसका टप नहीं है, ये दो ब्रांच आया है। आप अगर ऊपर जाते रहेंगे, मैं अगर मोबाइल ठीक से दिखा पाऊँ आपको, ये देखें। दिस इज ए लवली इवनिंग, इट्स ए वार्म इवनिंग ऑफ जून, माई गोट्स आर ग्रेजिंग। यू कैन सी आई हैव टोटल 43 नंबर्स ऑफ गोट एंड यू कैन सी द मैन हु इज वॉचिंग माई गोट्स, दे विल गेस दिस गोट्स ओवरऑल यू नो मे बी अराउंड 6:30। Again, they go back home, they will have some feed and sleep for the night. Again, morning they come back and gaze for the whole day. You can see these goats, beautiful goats, small. The goats are called Black Bengal breed and it's a local breed of Odisha. And these are not wild, you know, they are very tame. And you can say it's an innocent animal. It's not wild.
ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बनाना का प्लांट इस पर लगी हुई है और ये ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे देखें सीजन का भी ये ड्रमस्टिक कहा जाता है और बहुत इसका हम ये स्पिनिच हिसाब से खाते हैं, साग बनाते हैं। ये जैकफ्रूट है और जैकफ्रूट जो है गर्मियों का टाइम का सबसे सुंदर फ्रूट माना जाता है, सीजनल होता है आपको पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कुछ बैठ है बत्तख रखी हुई है, ये लोग जो डॉग जो है ना इंसेक्ट्स खा लेते हैं और क्या कहते हैं कि पूरा दिन अपने खाल के अंदर घूमते रहते हैं। किसी मित्र ने हमको गिफ्ट दिया था और उसी दिन से हमारे पास रहते हैं। इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनिक एग भी मिल जाता है। Let's go.